अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यासिन सिद्दीकी और मेरा ताल्लुक़ है हैदराबाद और कराची से, दोनों जगह से मेरा ताल्लुक़ है। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई आप लोगों से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेगुलर मुलाकात होगी या फिर वीक के अंदर एक या दो दिन में इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि अब ब्लॉग करना है तो करना है। अभी इस वजह से गैप आया क्योंकि मैं चला गया था हैदराबाद, तो इसी दौरान मेरा जाना हुआ हैदराबाद, और हैदराबाद जाकर फिर मैं अपने दोस्तों से मिला और वहाँ थी एक दोस्त की शादी, मतलब दोस्त की नहीं, दोस्त के यहाँ शादी। हाँ तो भैया सीन कुछ ऐसे हैं कि हम लोग वहाँ गए और इन्जॉय किया भरपूर। इन्जॉय करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड भी की, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई और अब मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो पेश करता हूँ। तो चलिए हैदराबाद चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई साहब सीन ये है कि अभी खाना, एक मिनट भाई, अब आप बोलोगे कि यार हम लोग तो हैदराबाद जा रहे थे लेकिन रास्ते के अंदर ये खाना वाना कहाँ से आ गया। तो भैया खाने का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग पहुँचे हैदराबाद, ठीक है मेरा भाई, हम लोग घर मतलब हैदराबाद पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद आपका भाई सीधा गया बिस्तर में, सबसे सलाम दुआ की, सलाम दुआ करने के बाद सीधा आपका भाई गया बिस्तर में। बिस्तर में जाने के बाद होश ही नहीं रहा, फिर उसके बाद मुझे होश आया रात के 9 बजे। उस दिन फाइज़ है एक मेरा दोस्त, उससे भी आपको मिलवाऊंगा, उस दिन उसके घर में था वलीमा, उसका वलीमा नहीं था मतलब उसके चाचा का वलीमा था, तो उसने इनवाइट किया था। वो बोल रहा कि भाई तुझे ज़रूर आना, तू आ रहा है हैदराबाद तो तू आएगा यहाँ पे। तो बस इसी वजह से जो है ना वो मुझे कॉल उठानी पड़ गई उसकी, वरना तो भाई नींद इम्पॉर्टेंट है, नींद में नो कम्प्रोमाइज़, लेकिन ये दो दोस्त ऐसे हैं इनके लिए कम्प्रोमाइज़ बनता है यार। फिर आपका भाई उठ तैयार हुआ और भाई यकीन करो बस आंखें जिस तरह अभी बंद हो रही है ना उसी तरह उधर भी बंद हो रही थी। अभी इसलिए हो रही क्योंकि रात के 3:30 बजे और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई हुआ ये है कि फाइज भाई की कॉल आई, उनकी कॉल से मैं उठा और उठने के बाद फिर हम शादी हॉल पहुँचे और आगे के मनाजर आप लोग वीडियो में देखें। अभी खाना वाना खा लिया, ये फैसल भाई ये रहे और ये हमारे सबूर भाई हैं, ये भी अभी डबल डबल मंडाई कर ली उन्होंने। फैसल भाई ने भी खूब मंडा, सिंगल बैटरी डबल पावर, लेकिन अपन ने सिंगल सिंगल मारा। ये हमारे अब्दुल्ला भाई मालिक, मालिक वैसे आपस की बात है, अब्दुल्ला भाई ने ये वाले चम्मच से बिरयानी खाई है। काम इनका हो नहीं रहा ऐसे घुमा के नहीं खेल रहा। वन मोर वायरल कर देगा, फेमस हो जाएगा तू, चलेगा यूट्यूब पे ही होगा। जा जा एक पोस्ट करके दिखा, एक अक्षय कुमार वाला ये देखो। मैं यहाँ खड़ा कर लोग आज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है फ्राइडे और अभी फैसल भाई ने बुलाया है कि यार बाहर आ जाओ, हम लोग निकलते हैं। ये घर के बाहर आके खड़े हो गए, तकरीबन 9 बज रहे अभी और ये अभी शूट करवा रहा है। ये देखें फैसल भाई मूडी ना छोड़ें थोड़ा, आप भी करवा रहे। तो ये अभी शूट वूट करवा रहे हैं, फिर इनका प्रोग्राम है निकलने का शहर। ये बोल रहे हैं कि सुबह सुबह खा के आते हैं बिस्मिल्लाह की बिरयानी, तो अभी हम लोग अच्छा सॉरी सुभान अल्लाह की बिरयानी, तो चलते हैं फिर इनके साथ, लेट्स गो। थोड़ा सा इधर देखें, थोड़ा सा कैमरा मैन चांद नाम आप जियो न्यूज हैदराबाद। भाई मैं पूरा ब्लॉग आप पे ही बनाऊंगा आज का, और क्या देख रहे हो भाई, सारी स्नैपचैट की करामत है।
तस्वीर भी ले रहा तो तस्वीर अच्छी आ गई उसने कड़ी करा मत वो बुरी आ जाए तो तुम्हारा तो ऐसा है लेकिन आप तस्वीर खिंचवा रहे हैं भाई वो भी स्नैपचैट से ये अलग स्वैग चल भाई चले ना जल्दी देर हो रही है कहाँ जाना भी आज या वो मेरा YouTube चैनल है ना उसके लिए अच्छा क्या नाम है आपके चैनल का वो बाद में बताएंगे place where they told you what to chase told you how to run the race the moves on the page but I didn't like the race the fight misbehaved to find a way to change I delete to find my way caught up in a daydream I'm in my mind up there almost daily it's how I pass time no opinions safely it's how I understand what I want in this place see cause everybody wanna tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. तो गाइस फाइनली हम लोग जो है ना सुभान अल्लाह बिरयानी पहुंच गए और अभी बैठे हैं हम लोग जो है ना बैठक सिस्टम सुबह ही सुबह का बस अब खाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह की बिरयानी और रिव्यू देख करता है और ये बोटियाँ देख रहे हो पिंक पिंक बोटी गुलाबी लजीज कैसी है बिरयानी भी तुम्हें तो भैया जी बिरयानी खा ली है फाइनली और मजा आया खा के गरम गरम बिरयानी थी और ये हम खड़े हैं हैदराबाद के अंदर ये लोग हैदराबाद के अंदर शिफ्ट हो गए बिस्मिल्लाह बिरयानी सुभान अल्लाह बिरयानी बिस्मिल्लाह या ज़्यादा खाना चाहिए इतना चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम लोग एक जगह हो रहा है पराठे खाने हम लोग अभी कीमा पराठा खाने आए बिरयानी तो सुबह सुबह खा ली थी बहुत औसम बिरयानी थी और अभी हम लोगों ने ये सोचा था कि मतलब थोड़ा थोड़ा चखेंगे जगहों पे जाके अभी हम लोग जो है ना कीमा पराठा खाने आए और अभी कीमा पराठा आने वाला है सही है फिर आपको दिखाते हैं तो जब तक आप सिनेमैटिक इंजॉय करें तो भाई ये आ गए कीमा पराठा सही है उसके साथ ये हलवा भी आया है सही है तो अब हम चखते हैं पहले कीमा पराठा ये पकड़ो कैमरा तो भाई अब चेक करते हैं कीमा पराठा खा के कैसा लगा फिसल भाई आप क्या देंगे वो तो हमें भी दिख रहा है पाकिस्तानी पीछे यार सर्दियां और आपको धूप मिल जाए ना तो नेमत है बहुत बड़ी नेमत है धूप यार वरना हम लोग गर्मियों में अमूमन धूप से भागते हैं और सर्दियों में धूप ढूंढ के बैठते हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं 11 नंबर की मेन लोकेशन पे पीछे शादी हॉल है और अभी भाई चाय लेके आ रहे हैं चाय का ऑर्डर दिया है भाई खाने के बाद चाय तो मस्त है यार
तू भी चल रही तो फैसल भाई कैसा रहा आज का दिन आपका? बड़ा जबरदस्त था आज, थोड़ा तेज आज वो कुछ यूनिक चीजें खाई जैसे कि सुबह लगी बिरयानी, उसमें जो है वो बड़ी लजीज बिरयानी थी, उसके बाद जो है वो कीमे का पराठा खाया और साथ ही साथ उसका जो हलवा था उसका स्वाद अलग आ रहा था। आप शुरू में बैठ के चाय पी रहे मज़ा आया यार काफ़ी, बहुत बहुत अच्छा लगा आज का दिन। और मैं कल ही कराची से आया हूँ तो आज हम लोगों ने जाना था यहाँ क्योंकि आज रात शादी भी है और वो भी अटेंड करनी है और कल का दिन भी बिजी रहेगा, उस हिसाब से ब्लॉग आएगा। तो चलो भाइयों मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आपने रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह। तो भाई साहब मैंने आपको बोला था कि जुम्मा वाला लगता है हैदराबाद के अंदर, तो ये हैदराबाद है और आप देख सकते हैं ये सारा जुम्मा बाजार लगा हुआ है, ये इतवार बाजार की तरह। सही है भाई। पूरा भरा पड़ा है, कच्चा कच्चा भरा पड़ा है, हर किस्म का बंदा मिलेगा आपको। तो भाइयों ये था मेरा ब्लॉग, तकरीबन एक महीना हो गया उसको मेरे पास पड़े पड़े पड़े, अब एडिट करने का टाइम मिला है और अब आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप ना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।